ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन टू डायमेंशन का एक स्पेशल केस होता है। अब टू डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि जो पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट्स दो कोऑर्डिनेट होंगे, उसकी पोजीशंस को हम एक्स या वाई, वाई या जेड या जेड या एक्स, मतलब कि दो कोऑर्डिनेट्स में इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। साथ साथ में टू डायमेंशन का एक और खासियत होती है कि वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज भी होना चाहिए। पर दो टू डायमेंशन मोशन जो होता है उसके दो ही क्राइटेरिया होते हैं। पहला होता है हमारा कि उस पार्टिकल की पोजीशन दो कोऑर्डिनेट से डिसाइड होगी, और दूसरा होता है कि जो वेलोसिटी है उस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होना चाहिए, तभी वो पार्टिकल टू डायमेंशन मोशन में रहेगा। अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि किसी पार्टिकल को यदि हम थ्रो करते हैं, थ्रो करेंगे कैसे कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो जीरो या 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि 90 का बनाएगा तो ऊपर चला जाएगा, जीरो का बनाएगा तो सीधे चला जाएगा। अगर देन 0 एंड 90 डिग्री किसी भी एंगल से अगर आप उस पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो उस पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, और उसके मोशन को क्या कहेंगे, हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। साथ साथ में एक बात और होती है कि अगर ग्रेविटी के इफेक्ट में किसी पार्टिकल को थ्रो किया जाता है तो उसके दो ही पाथ पॉसिबल होते हैं। एक होता है वर्टिकल लाइन, कि पार्टिकल को ऊपर फेंका तो सीधे नीचे आ गया, तो वर्टिकल लाइन का पाथ होगा, या फिर पैराबोलिक पाथ होगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होता है, ये हम आगे बताएंगे, इसकी इक्वेशन आती है उससे पता चलता है। ठीक है, अब हम एनालाइज करने की क्या बात होती है कि देखिए ये थीटा जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री का तो नहीं होना चाहिए। अब कोई भी है 0 90 के अलावा, तो अब यहां से हमने एक इनिशियल वेलोसिटी से इसको थ्रो किया, ये u क्या है, ये u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी है, साथ साथ में क्योंकि पार्टिकल टू डायमेंशन मोशन में चल रहा है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, साथ साथ में वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है और वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और बेसिक काइनेमेटिक्स के अनुसार जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यदि इसका एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी होनी चाहिए और वाई डायरेक्शन में भी होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये टू डायमेंशन मोशन है, इसको एनालाइज करते हैं हम वन डायमेंशन प्लस वन डायमेंशन मोशन में। अगर हम देखें तो देखिए टू डायमेंशन मोशन है, इसको हम एनालाइज करेंगे वन डायमेंशन प्लस वन डायमेंशन मोशन में। एक डायमेंशन कौन सी है, ये एक्स डायरेक्शन की है और दूसरी डायमेंशन हमारी वाई डायरेक्शन की है। इन दोनों डायरेक्शंस के जो मोशन हुए इनको हम एनालाइज करेंगे और बाद में दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तब हमारा क्या आएगा, ये टू डायमेंशन मोशन आएगा। अगर एग्जाम्पल देखें तो अब देखिए क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो इसके जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक आएगा एक्स डायरेक्शन में, इसको हम कहेंगे यू एक्स, जो हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा के बराबर, और दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा यू वाई, जो हो जाएगा यू साइन थीटा के बराबर। यू एक्स कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करेगा। यू वाई वाई डायरेक्शन में, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करेगा। तो यहां पर हम लिख देंगे यू एक्स हमें नोन है, साथ साथ में हमें यू वाई भी नोन है, दो चीजें हो गई हमारे पास। इसके अलावा जब पार्टिकल किसी भी पाथ पर होगा, ये ट्रेजेक्ट्री है, पार्टिकल किसी भी पॉइंट पर होगा उस पॉइंट पर इसमें वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, जो हमारी होगी एम जी के बराबर। हर एक पॉइंट पर सेम फोर्स लगेगी एम जी के बराबर, और साथ साथ में न्यूटन लॉ के अनुसार क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उस डायरेक्शन में ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है। तो यदि मैं बोलूं कि इस पार्टिकल पर नीचे की साइड में एम जी फोर्स लग रही है, यहां भी एम जी लग रही है, यहां भी एम जी, सब जगह एम जी फोर्स लग रही है, तो इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की साइड में होगा, वो कितना होगा, वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो जी होगा। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन लिए, जिसको हम कहेंगे माइनस जी। हम माइनस जी इसलिए कहेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मगर एक्स डायरेक्शन में इस पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही है तो इस पार्टिकल के पास एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे। अब देखिए हमारे पास दोनों हमारे पास नोन आ गए, ये यू एक्स भी आ गया, यू वाई भी आ गया, और दोनों एक्सीलरेशन भी आ गए। अब हम इंडिविजुअली वन डायमेंशन मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एक्स में अलग लगा सकते हैं और वाई में अलग लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मोशन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 90 डिग्री पर दोनों मोशन हो रहे हैं तो किसी का भी इफेक्ट दूसरे डायरेक्शन में आ नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में हम निकाल सकते हैं, जैसे कि आपसे कुछ बोलेंगे बताओ 2 सेकंड बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो 2 सेकंड में जो वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में भी होगी और साथ साथ में y डायरेक्शन में भी होगी इसकी वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे, vx x डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, vx इज इक्वल टू
ux प्लस ए एक्स इंटू टी, ऐसे ही y डायरेक्शन में लगाएंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब आपका वी एक्स निकल जाएगा और वी वाई निकल जाएगा, तो नेट वेलोसिटी जो आएगी, क्योंकि देखो मैंने 1d प्लस 1d किया है दोनों को जोड़ा है, तो जो नेट वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी हमारी वी एक्स आई क्या, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, और ऐसे ही प्लस वी वाई जी क्या, क्योंकि ये y डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी नेट आ गई हमारे पास। ऐसे ही अगर आपसे बोले कि बताओ भाई किसी पर्टिकुलर टाइम में इसकी पोजीशन कितनी होगी, इस प्रोजेक्टर की पोजीशन कितनी होगी, तो हम मानते हैं कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है 0.0, इसको हम ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि इस पार्टिकल की पोजीशन किसी भी टाइम टी पर कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इंडिविजुअली दोनों डायरेक्शन पर सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, और लगा सकते हैं इजीली, क्योंकि देखिए यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो आप इजीली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यहां से x कोऑर्डिनेट आ जाएगा किसी भी टाइम टी पर, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट अगर आ गए तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होता है, पोजीशन वेक्टर होता है r इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट साथ साथ में आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप। इस प्रकार से आप इसका पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम टी पर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसके देखिए वो पॉइंट क्या है कि प्रोजेक्टाइल बनाते हैं, हमने प्रोजेक्टाइल बनाया, अब प्रोजेक्टाइल में देखिए क्या होगा, ये वाई है ये एक्स है, प्रोजेक्टाइल बन गया हमारा, इसको यू से प्रोजेक्ट भी किया हमने, साथ साथ में ये थीटा है। अब होगा ये क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री है, तो ट्रेजेक्ट्री किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलूंगी बताओ भाई इस पॉइंट पर जो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये होगा हमारा वी नेट का डायरेक्शन, और इस पॉइंट पर कितना है, तो ये होगा हमारा वी नेट का डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब आप देखिए एक बार कि हॉरिजॉन्टल और वी नेट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो लगातार चेंज हो रहा है, देखो ये थीटा था, ये मान लेते हैं थीटा वन है और यहां पर थीटा टू, तो ये थीटा जो है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है किस थीटा की वैल्यू को निकालना, या फिर किस टाइम पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा, देखिए एग्जांपल क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल है, ये वाई ये एक्स, इसको साथ साथ में प्रोजेक्ट किया गया, हमने किया इसको 50 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से, यहां पर 53 डिग्री का एंगल है। अब ऑब्वियसली बात है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से वो 0 डिग्री का बनेगा, दैट मींस कि यहां 53 डिग्री का एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, यहां पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो 53 से 0 डिग्री के बीच में हर एक एंगल इस रीजन के बीच में बन जाएगा, ए से बी तक के बीच में 53 डिग्री से 0 डिग्री का हर एक एंगल बनेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वी नेट नेट वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल इन 1 सेकेंड। यहां से मैंने उसको प्रोजेक्ट किया, इस प्रोजेक्ट करने के बाद एक सेकेंड के बाद आपको बताना है कि नेट वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम एक सेकेंड बाद देखो क्या होगा, वेलोसिटी निकालते हैं, मान लेते हैं कि एक सेकेंड पर पार्टिकल यहां पहुंचा, और जब यहां पहुंचा पार्टिकल तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल, बिकॉज ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, तो ये वी नेट हो गया। अब अगर ये वी नेट हो गया तो ये नेट वेलोसिटी ना तो एक्स डायरेक्शन में है और ना ही वाई डायरेक्शन में है, बट डिस्प्लेसमेंट इसका इस पार्टिकल का एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है, तो हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक आएगा यहां पर वो आएगा वी एक्स एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा आएगा वी वाई वाई डायरेक्शन में। अब आप देखिए तो वी नेट के कंपोनेंट्स वी एक्स एंड वी वाई है, या फिर मैं कह सकता हूं कि वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट वी नेट है। तो अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, तो देखिए ये है हमारा वी नेट, साथ साथ में ये हमारा है वी एक्स और ये हमारा है वी वाई, और ये एंगल हमारा ऑब्जेक्टिव है निकालना थीटा, यही पूछा गया है एक सेकंड बाद। अब अगर इस ट्रायंगल से देखें तो ये लंबाई हो जाएगी वी वाई के बराबर और ये लंबाई हो जाएगी वी एक्स के बराबर, तो यहां से हम टेन थीटा को
लगाएंगे तो टेन थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी वाई बाय वी एक्स के बराबर। ये आ गया टेन थीटा की वैल्यू वी वाई बाय वी एक्स। अब आप वी वाई निकालिए वी एक्स निकालिए जो मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में। तो वी वाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए टेन थीटा जो आएगा वी वाई क्या हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और वी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी के बराबर। अब अगर यहां से देखें तो यू एक्स कितना आ रहा है, कंपोनेंट्स कर लेते हैं इसके, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय कॉस 53, तो ये 30 आ जाएगा। और ऐसे का 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 53 तो ये आ जाएगा 40 मीटर। उसके अलावा तो ये हमारा आ गया यू एक्स और ये आ गया हमारा यू वाई। ऐसे ही अगर हम देखें ए वाई तो वो है हमारा माइनस जी के बराबर और ए एक्स इसके बराबर है वो जीरो के बराबर। सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे वैल्यू यू की, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा यू वाई कितना है 40 माइनस, क्योंकि देखो ए वाई कितना है ए वाई माइनस जी के बराबर, तो माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाय यू एक्स, यू एक्स कितना है 30 और ए एक्स कितना है 0 बाय ए एक्स। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब टी कितना दिया है, टी दिया है 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 30, ऊपर भी 30 बचा तो 10 थीटा जो आया वो आया 30 डिवाइडेड बाई 30 तो आ गया 1। तो 10 थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पर होता है, तो थीटा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।